नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। हर समय आपके साथ। आजमगढ़ निजामाबाद तहसीलदार सर्वेश सिंह गौर पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा हंगामा। एक रिपोर्ट। जितने भी हमारे पत्रकार और मीडिया के भाई आए हैं, तहसील निजामाबाद के वार्ड संघ के अध्यक्ष की हैसियत से मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। तहसील निजामाबाद बहुत ही ऐतिहासिक तहसील है और मैं चाहता था कि तहसील जो है सम्मानित ढंग से सही ढंग से चले, कोई यहाँ विवाद ना हो। लेकिन परिस्थितियाँ आज के हमारे मौजूदा तहसीलदार ने कि मैं देख रहा हूँ ये जब से आए हैं तब से तमाम पत्रालयों में बिना सुने अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन करते हुए आदेश पारित कर दिया करते हैं। मैंने कई बार इसका विरोध भी किया कि इस तरह का अच्छा ऐसा मामला कई बार आ चुका है, हो चुका है जी, गिनाने लायक नहीं है, मैं समय नहीं है जी। तमाम पत्रालयों में इस तरह की शिकायतें आई और मैंने कई बार कहा भी, मैंने कहा कि आप तहसीलदार हैं और न्यायालय में बैठ करके आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए जी, ये सार्वजनिक प्लेस है जी, ये कानून को आप खुला उल्लंघन करते हैं जी। लेकिन आज तक वो जो है गुटखा भी खाना नहीं बंद किए जी, और बार बार मैंने समझाया भी कि आप बार और बेंच से टकराते हो तो टकराने की स्थिति में नुकसान आपका हो जाएगा जी। आप न्यायिक काम करने के लिए आए हो जी, आप न्यायिक ढंग से काम करो। न्यायपालिका जो कहती है सबको सुनो, सबको सुन करके जो उचित हो आदेश करो जी। लेकिन सुनना जरूरी है, बिना सुने अगर कोई आदेश होता है तो खुला उल्लंघन न्यायिक प्रक्रिया का कहा जाएगा जी। अभी सत्येंद्र राय जी की बात हो रही थी, इनकी पत्रावली में सही है, ये सरसरी प्रक्रिया होती है और सरसरी प्रक्रिया में अगर आप तरीसानी किसी भी खारिज नहीं कर सकते हैं, अगर मंजूर करते सुनते सुर के आदेश करते जेनुइन कहा जाता, लेकिन आपको तुरंत ही उस तरीसानी को पैसे की लालच में न मालूम पैसे लेकर के उन्होंने खारिज कर दिया और इस पर ही आज हमारी कुछ तहसील में बैठक की गई। तहसीलदार से थोड़ा आटाक भी हुआ हमारे भाइयों से और मैं थोड़ा बाद में पहुंचा। संघ की मीटिंग कॉल की गई और संघ की मीटिंग में मैंने तहसीलदार के इस कार्य की खोर निंदा किया है और ये कहा है कि भविष्य में इस तहसील में इस तरह का काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जी। आप अधिवक्ताओं का सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे, विवाद करोगे तो विवाद के दायरे में रहते हुए आपको भी हम लोग जो है सही ढंग से यहाँ रहने नहीं देंगे जी। और हमने एक प्रस्ताव पारित किया है बुधवार तक इनके न्यायालय का जी। और बहिष्कार किया है जी। और यह जांच समिति हमने बनाया है जिसमें 5 लोगों का नाम है, उसमें हमारे खलकू जमा साहब हैं, मनोज राय एडवोकेट हैं और ये क्या मांग रखे हैं आप? मांग रखा हूँ और जो और अन्य कर्मचारी भी उनके माध्यम से आकंठ डूबे हुए हैं और एक पत्रावली को लेकर के नहीं, जो है तमाम पत्रावलियों में, जैसे भीतरी की एक पत्रावली है सावली बनाम तीजू, उसमें भी यह भ्रष्टाचार के साथ बिना नोटिस के एक पक्षी आदेश पारित कर दिए और फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन भी खारिज कर दिए। यहाँ पर लेखपाल कानून को जो है वरासत के मामले में भी वरासत 5-5 साल हो गए हैं, पिता के मरे लड़कों का नाम अभी तक वरासत में दर्ज नहीं किया है लेकिन उसका पालन इन तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा रहा है और इनके द्वारा बैठ करके यहाँ पर कर्मचारियों को आज उकसाया जा रहा था, गोलबंदी की जा रही है कि अधिवक्ताओं से और कर्मचारियों के बीच में यह विवाद कराना चाहते हैं जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और शासन की जो मंशा है उसके विपरीत यहाँ पर इस तहसील में कार्य हो रहे हैं और भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ चुका है कि किसी भी समय यहाँ पर बाधकारियों के द्वारा या अधिवक्ताओं से और यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की स्थिति विषम बन सकती है और उससे जो है विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस ढंग से मैं शासन से प्रशासन से जिलाधिकारी और माननीय कमिश्नर महोदया से चाहूँगा कि यहाँ पर इस तहसीलदार महोदय को तत्काल हटा दें और यहाँ पर जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं जिनके द्वारा नियम पूर्वक शासन के मनसा के अनुरूप काम नहीं किए जा रहे हैं उनको जो है कार्य करने की हिदायत दी जानी चलते ही जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं चाहे वो कानून गो हों चाहे लेखपाल हों सारे लोग पैसे पर बिके हैं, पैसा बगैर लिए किसी के प्लाट के सीमांकन नहीं कर रहे हैं, नाप नहीं कर रहे हैं। अगर पन्नालाल बात करते हैं तो मेरे सामने तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन बाद में काशकार से कहता है कि भाई 10,000-5,000 रुपया दो तब जरूर तुम्हारे प्लाट पर चलाऊंगा नहीं तो वापस लौट जाऊंगा। ये स्थितियाँ पूरी तहसील में इस तरह की भरी हैं और इस तहसील की मैं क्या स्थिति को बताऊँ, भ्रष्टाचार तो यहाँ पर
पर बहुत चरम सीमा पर है और उसको दुरुस्त करना मैं समझता हूँ तहसीलदार हूँ चाहे SDM हूँ इनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, लेकिन तहसीलदार स्वयं इसमें लिप्त हैं तो इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं इन शब्दों की साथ दौरान मुकदमा ही धनई का स्वर्गवास हो गया। धनई का स्वर्गवास होने के बाद उनकी लड़की मनभावती ने एक वरासत के आधार पर चोरी चोरी एक पक्षीय जो है वरासत का मुकदमा दाखिल किया और उसमें आदेश हस्तगत कर दिया। जानकारी होने के बाद अंदर मियाद हमारे क्लाइंट ने हमने क्लाइंट की तरफ से एक तजबिसानी प्रार्थना पत्र दिया। पीठासीन अधिकारी ने उस आदेश को क्रियान्वयन को स्थगित करते हुए पत्रावली में तजबिसानी पर सुनवाई के लिए लगा दिया। पत्रावली चल रही थी, तजबिसा मनभावती बनाम धनई पत्रावली में और धर्मी बनाम धनई पत्रावली में बहस हुई। मनभावती बनाम धनई में 12/2/2020 और धर्मी बनाम धनई में 15/2/2020 आदेश की तिथि नियत की गई। 15/2/2020 और 12/2/2020 आदेश न आने के कारण जब मैंने तहसीलदार से पूछा कि साहब अभी इस पत्रावली में आदेश की डेट निकल गई और अभी नहीं आई है, आदेश कर दी सरकार, उसी बीच मुझको पता चला कि जो आपत्तिकर्ता मनभावती थी उनका लड़का वीरेंद्र प्रांगण में कानगो लोगों के साथ चपरासी का काम करता है और उनके साथ उनकी पत्रावलियों का लिखन पढ़न का कार्य भी वह करता है। उसकी तरफ से तमाम कानगो राजस्व कर्मी लोग सोर्स में तहसीलदार महोदय के यहाँ दबाव बनाए हुए थे कि इनका तजबिसानी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए। तहसीलदार महोदय ने 16 तारीख को जब मैंने तहसीलदार से पूछा कि आपने अभी तक आदेश पारित क्यों नहीं किया तो कहे कि बिना पैसे में जमीन आपने इतना हथिया लिया है तो ऐसे ही आदेश थोड़ी हो जाएगा, अगर लेना कराना हो तो कम से कम 1,00,000 रुपया खर्च कीजिए तब अपने पक्ष में आदेश लीजिए। जी मैंने मेरा क्लाइंट पैसा देने में अक्षम था, उस मैंने पैसा देने से मना कर दिया कि नहीं मेरा क्लाइंट पैसा नहीं दे पाएगा, आपको न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय की परिधि में जो भी आदेश होता है आप कीजिए। तहसीलदार ने आज मंच कचहरी आया तो पता चला कि आज तहसीलदार ने पत्रावली में 15/2/2020 और 12/2/2020 के क्रम में आदेश करके आज पत्रावली न्यायिक पटल पर भेजा है जिसकी अमल दरामद आज ही कराई गई। इसकी जानकारी होने के बाद मैंने तहसीलदार से पूछा तो तहसीलदार से चूंकि मेरी पत्रावली में तहसीलदार ने गलत आदेश पारित किया था तो मुझसे थोड़ा हार्ड टैक दी गई। महोदय के न्यायालय में एक पत्रावली धर्मी बनाम धनई दान पत्र के आधार पर बाद करीब 10 वर्ष पुराना विचाराधीन था। जी दौरान मुकदमा एक मनभावती उनकी लड़की के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। जी पत्रावली कार्यवाही में चल रही थी, पत्रावली में दानकर्ता द्वारा स्वयं आकर न्यायालय में हमने